ये रॉकेट नहीं है, ये तारा जैसे है, कुछ लाइन से जा रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है। आसमान यार, ये है क्या? सच में ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। चाचा आओ, यार चीज दिखाइए। वीडियो में जैसा कि आप सुन सकते हैं कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये चीज क्या है। शाम होते ही 6:45 से लेकर 7 के बीच चमकीली रोशनी वाले छोटे छोटे बॉल बिल्कुल लाइन से आसमान में जा रहे थे। इन्हें यूपी के कई हिस्सों में देखा गया, खासकर मध्य यूपी में। लेकिन इस नजारे को देखकर सब हैरान थे, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब इसे या तो तारों की फौज कहते या एलियन का शिप या कहते कि एक रॉकेट जैसा है कुछ। तो क्या था ये, जानते हैं इस वीडियो। दरअसल लखीमपुर खीरी, औरैया, हरदोई, कन्नौज, इटावा, सीतापुर और कई आसपास के जिलों में लोगों ने इसे देखने का दावा किया। शाम ढलते ही लोगों ने आसमान में कुछ अनोखी चीज देखी। बच्चों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। एक लाइन से जाती सफेद रोशनी देखकर सब हैरान थे, ये जानने के लिए कि आखिर ये चीज क्या है। फौरन लोगों ने अपने अपने फोन निकालकर इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आखिर पहली बार ये नजारा देखने को मिल रहा था, और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स बाद रोशनी लुप्त हो गई। ये रॉकेट नहीं है, ये तारा जैसे हैं कुछ, तारा जैसे हैं, लाइन से जा रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है। आसमान यार, ये है क्या? सच में ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। चाचा आओ, यार चीज दिखाइए। यार चीज देखो जरा, वो चमक रहा है क्यों? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो या तस्वीर पोस्ट कर लिखा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये रहस्यमयी रोशनी आकाश में देखे जाने का दावा किया जा रहा है। कुछ ने कहा ये ड्रोन है भाई। और तो और, कल ज्ञानवापी मामले में केस की सुनवाई आगे होने को लेकर आए फैसले के बाद जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा करवट लेती मथुरा काशी, तो उस ट्वीट पर भी लोगों ने रिट्वीट कर लिखा, आज शाम लगभग 7:30 आसमान में दिखी बेहद अचंभित कर देने वाली प्रकाशित बिंदु रेखा, जो कि देखते ही देखते अनंत शून्य में विलुप्त हो गई। तो अब आइए जानते हैं ये है क्या। दरअसल सोशल मीडिया पर स्पेस एक्सपर्ट्स इसे स्टारलिंग सैटेलाइट ट्रेन कह रहे हैं। स्टारलिंग एलन मस्क की कंपनी है, जो पूरे विश्व में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। इस काम के लिए उन्होंने कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं, आगे भी कई और सैटेलाइट भेजने की योजना है। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सलाहकार नरोत्तम साहू ने कहा कि ये कुछ सैटेलाइट के पृथ्वी के पास की कक्षा यानी लो ऑर्बिट से गुजरने का परिणाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसे कहा जा रहा है कि ये एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का ये कई सारे सैटेलाइट्स का ग्रुप है, जो ट्रेन जैसे एक लाइन में आसमान में दिखा, और दिखने का कारण ये रहा कि ये पृथ्वी की सबसे लो ऑर्बिट में घूम रहा था। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।